हम लोग खड़े हैं 14,300 फीट की ऊंचाई पे। कोई ऐसा दिख गया जिसको देख के मैं चिट्ठी लिखना छोड़ के दौड़ा दौड़ा चला आया। भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं काजा और प्लान में कुछ सडन चेंजेस हैं। ड्रोन में हाथ पैर से कैच करने की कोशिश कर रहा था तो वो मिल गया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। क्या बेहतरीन नींद आई, आज की नींद अच्छी आई। अच्छा, मेरे को सांस वांस की दिक्कत नहीं हुई आज वैसे, और मैं फुल्ली रेस्टेड फील कर रहा हूँ। और आज की जो प्लानिंग है काफी एक्साइटिंग है। अमित भाई बताओ आज का जो प्लान है। आज हम लोग जाने वाले हैं हिकिम, फिर लांगजा और कॉमिक विलेज, और उसके बाद एक मुद विलेज, वहाँ जाके रुकने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और काउंटिंग माइल्स अमित सिन्हा आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज के राइड की शुरुआत करते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं, नहा चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं। लेट्स गो। पैसा निकालना पड़ेगा ना, मैं कैश खत्म हो गया, इधर क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कम चलता है, सो कैश इज किंग। सो वी आर ऑल सेट, निकलते हैं। आज हमारी फरमाइश पूरी हुई है। विशाल भाई तेरे नाम वाले लुक में आए, आप तेरे नाम वाला लुक कैंसिल कर दी। ऐसा करो एक बार, ये विशाल भाई हैं, हम लोग इनको प्यार से सलमान भाई बोलते हैं, बट ये विशाल भाई अपना टैक्सी सर्विसेज चलाते हैं मनाली के अंदर, लेह लद्दाख स्पीति का भी ट्रिप करवाते हैं, पैकेज टूर भी देते हैं। अजय भाई के अच्छे मित्र हैं, हम दोनों मिलके साथ ही काम करते हैं। तो आपको इधर मनाली, लेह लद्दाख स्पीति कहीं भी घूमना हो तो इनसे कॉन्टेक्ट करिए। दोनों का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अमित भाई रेडी, हम लोग जिस होम स्टे में रुके हुए थे ये उनके ऑनर है। बहुत ही बढ़िया से इन्होंने हमारा ध्यान रखा, खाने पीने का रहने का सारा अच्छे से ध्यान रखा, और रेट भी बहुत ही वाजिब है। अगर आप लोग यहाँ आते हो तो यहाँ रुक सकते हो। आपका नंबर वगैरह दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। जी 7876443701। कोई भी अगर आना चाहते तो हमारे यहाँ पे रुक सकते हैं। पार्किंग भी है, सब कुछ है, गाड़ी का पार्किंग भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। आज हमारा जो सैडल बैग है वो आल्टो में रखा हुआ है, क्योंकि आज प्लेन रास्ते मिलेंगे तो दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ अपना टैंक बैग रखा हुआ है। और आज मेरी बाइक सिर्फ दो सेल्फ में स्टार्ट हो गई, उतनी ज्यादा स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई कल जैसे परसों जैसे। आई होप कि आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज की यात्रा चालू करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री शंभु, हर हर महादेव। अभी हम लोग जा रहे हैं लांगजा विलेज, वहाँ पे बुद्धा का बहुत ही बिग स्टेच्यू है। ये हम लोग इस रूट से आ रहे हैं, इस तरफ जाएंगे काजा। लांगजा विलेज के लिए हम लोग को यहाँ से राइट टर्न लेना है, जिस तरफ ये कार जा रही है इसी तरफ जाना है। ये स्पीति वैली का डॉगी, इनकी ब्रीड ही अलग होती है, बहुत बाल होते हैं इनमें ठंड से बचने के लिए। बेहतरीन सड़कें मिल रही है हम लोग को पहाड़ों में, इस तरह की सड़कें मिलना एकदम सौभाग्य की बात है, दुर्लभ हो जाता है ऐसा पिच सड़क देखने को पहाड़ों में। और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नया नया बना है ये। काजा से आपको किब्बर जाना हो या लांगजा जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ जाना हो, या फिर जो मोनेस्ट्रीज है की मोनेस्ट्री वहाँ जाना हो, तो आपको इसी तरह के पहाड़ों से होकर ही गुजरना है। पहाड़ों में दो गांवों के बीच की जो दूरी होती है, जो एरियल डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग भले उसको खुली आंखों से देखे, जैसे चिच्चम और किब्बर के बीच की दूरी पहले 40 किलोमीटर हुआ करती थी, 45 किलोमीटर, पुल बनने के बाद उसकी दूरी घट के हो गई कुछ ही किलोमीटर। मैं सड़कों की तारीफ कर ही रहा था और ये सड़कें फिनिश हो गई, ऑफ रोड चालू हो गया। इस सब सीधे जाएंगे तो लांगजा विलेज, पीछे जिधर से आ रहे हैं वो काजा, और यहाँ से टर्न लेंगे राइट टर्न टू कॉमिक विलेज। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लांगजा की तरफ। लांगजा विलेज की तरफ का तो रास्ता बंद था, तो हम लोग अभी ये कॉमिक विलेज वाला रास्ता लिए हैं। और देखिए ऑफ रोड 25 सड़कें मिली है अभी हम लोग को, वो देखिए काजा शहर दिख रहा है। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं इन्हीं सड़कों में गोल 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 घूमते हुए। यहाँ पर काफी भीड़ है, लगता है ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस से कुछ भेजते हैं अपने घर ज्योति के लिए। विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर पे देखिए लाइन लगी हुई है अपनों को पत्र भेजने की। यहाँ से कुछ इस तरह का नजारा है हिकिम विलेज का। सो इस पोस्ट ऑफिस की ऊंचाई है 14,567 फीट।
ऊंचा तो है। बारिश की भी संभावना है, लेकिन मजे की बात देखिए, इस तरफ काले काले बादल दिख रहे हैं और इस तरफ के पहाड़ी में धूप है, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो चलते हैं पोस्ट ऑफिस, लेते हैं कुछ पोस्ट कार्ड और भेजते हैं अपने घर। मैंने ये तीन पोस्ट कार्ड लिए हैं, यहाँ से तीन जगह भेजने वाला हूँ मैं, और जहाँ जहाँ भी भेजने वाला हूँ आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। जिनके पास भी भेज रहा हूँ बहुत ही करीब है मेरे दिल के, और आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। काफी आसान गेस होना चाहिए आप लोगों के लिए। वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे मैं अपने घर चिट्ठी लिख रहा था, कोई ऐसा दिख गया जिसको देख के मैं चिट्ठी लिखना छोड़ के दौड़ा दौड़ा चला आया। भाई 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 क्या हाल है। हम इधर आए थे अपने पोस्ट ऑफिस पे, तो हमें मिल गए भैया, और हम सोचे कि साथ में ब्लॉग कर लेते, थोड़ा हेलो गाइस कर लेते, वही कर रहे हैं। क्या बात है भाई, मैं बिग फैन आपका, बिग फैन आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, और जो स्टोरी टेलिंग जो आप करते हो, जिस तरीके से वीडियोस बनाते हो, आप भी फैन की वजह से चुने जो भाई का, मैं भी फैन, आप भी फैन, क्या बात है भाई। अगर आप देख रहे हो तो भाई ब्रो ये डाल देना अंदर, बस अंदर डाल दो, थैंक यू। तो पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिया, शिवा भाई बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं, मेरी बाइक में बैठ के देखना चाह रहे हैं। ओहो सेक्सी, आपके ऊपर अच्छी लग रही है और मेरी बाइक भी खुश हो जा रही है। हाँ स्पोर्ट्स टूरर है, टूरिंग की कैटेगरी में आती है। हाँ सारी राइड, लद्दाख वदाख सब, भूटान, क्या चीज, नहीं नहीं फुल ब्रेक है, वो डिस्क ब्रेक है ना, और वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा, भाई का आशीर्वाद है। चलो सेम सेम यार सेम, मैं व्हाट्सएप पे आपको हाई भेज दूंगा, मेरा नंबर सेव कर लेना, श्योर श्योर, ओके शिवा बाय। बहुत ही प्यारा लड़का है शिवा, मजा ही आ गया मिलके। मेरी बाइक में पावर ड्रॉप हो रहा है, पावर ड्रॉप फील हो रहा है भाई, हाई एल्टीट्यूड में लाइफ में पहली बार, जबकि इससे पहले मैं इससे ले लद्दाख भूटान सब कुछ कर चुका हूँ, पहली बार पावर ड्रॉप फील हो रहा है। जो पावर ड्रॉप फील हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। हमारी बाइक इतनी स्मार्ट है, इतनी आधुनिक है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी की है, ऑक्सीजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से शायद ये अपने आप ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर सही कर लिया है, और अभी पावर ड्रॉप फील नहीं हो रहा है। थैंक यू RR310, थैंक यू। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे मिलेगा हम लोग को कॉमिक विलेज और लांगजा, जहाँ पे गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी प्रतिमा है। भाइयों क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, शिवा भाई से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है। आप लोग अगर शिवा भाई का चैनल अभी तक नहीं देखे हो तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही इंसिस्ट करूंगा कि जाके इनका चैनल देखें। मैं भाई के चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जाके वहां बताइए कि CMJ फैमिली से आए हो आप, चिंतामणि भैया ने भेजा है आप लोगों को। क्या खूबसूरत नजारा, आर्मी की कोई व्हीकल है। अब यहां से पता नहीं किस तरफ जाना है, अच्छा ये लिखा हुआ है कॉमिक विलेज, इसी तरफ राइट की तरफ जाना है। तो अमित भाई और मैं फोटोग्राफी कर रहे थे, फिर इस कार में ये भाई साहब और मैम आई, मैम नेस्ले में काम करती है भाई, ब्लैक कॉफी सब कुछ, तो जो मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ आप लोग भी पीते होंगे कॉफी जो पीते हैं नेस्ले की सब, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। डोंट कांटेक्ट मी डायरेक्टली बाय फ्रॉम द मैन। सर तो क्या नाम है आपका? श्रीकांत, आई एम फ्रॉम जबलपुर। ओके आप फाइनेंस में हैं? Yes. आपका क्या नाम है? अंजलि। गुड, नेस्ले में है, अच्छा लगा मिलकर आप लोगों। एक छोटे से फोटो ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग यहाँ पे, अब चलते हैं।
बदली छाई हुई है, हम लोग पहाड़ों के ऊपर हैं इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। नीचे तो बहुत तेज बारिश हो रही है शायद। ज्योति से बात हुई, रायपुर में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये टर्न लेते ही एक गांव का सुंदर सा नजारा आया। दो गांव दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। जैसा मैं कहता हूँ, वॉलपेपर क्वालिटी का सीन है भाई। यहाँ पर से अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जाएं। सीधे जाना है आगे, एकदम खड़ी ढलान है भाई ये तो। क्या बात है, ये टर्न लेते ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा नजर आई। यहाँ बाइक पार्क करते हैं। वहाँ पार्किंग में बाइक खड़े करने के बाद लगभग 150-200 मीटर की वॉक है। मेरे सामने नजर आ रही है गौतम बुद्ध की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा। ये जो आप देख रहे हो जो घर बने हुए हैं, यही है लांगजा विलेज। ज्यादा आबादी नहीं होगी यहाँ पे, इन्हें जुड़े घर हैं उंगलियों पे गिन सकते हैं। यहाँ ऊपर में एक कैफे भी बना हुआ है, अगर कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं। हम लोग खड़े हैं 14,300 फीट की ऊंचाई पे और इस बुद्ध स्टेच्यू की हाइट है 35 फीट, और बताया जाता है कि सालों पुराना, बहुत पुराना स्टेच्यू है। देखने में बहुत सुंदर है, आपको दिखाते हैं यहाँ का एरियल व्यू। के जस्ट किनारे में एक स्मॉल सा कैफे है, कैफे स्पेसिप, कुछ खाते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ का मीनू। अमित भाई हाँ। क्या ऑर्डर करें? सब बहुत ज्यादा सस्ता है, जो मन चाहे ऑर्डर करो। अजय भाई आप क्या लेना चाहोगे? मैगी। मैगी, तेरे नाम भाई? तेरे नाम भाई लेंगे दाल। मैगी। और आप? मैगी एक्चुअली छोड़ दिया था लेकिन अभी मैगी लेंगे। तो मैं भी मैगी ही खा लेता हूँ फिर, सब खा रहे हैं तो मैं भी मैगी ही खा लेता हूँ। ये आ गई हमारी मैगी। हाँ जी, हो गया, मैगी खा लिया। भाई साहब सैंडविच खा लिया, पता नहीं क्यों इन्होंने मैगी खाने से संन्यास ले लिया। हाँ, इस बार ये ट्रिप में 9 मैगी। छुपके भी नहीं खाना है? छुपके भी नहीं खाना। अभी का प्लान क्या था फिर? अभी का प्लान ये है कि मुद विलेज में जाएंगे। भाइयों देखो, वो है गौतम बुद्धा की प्रतिमा। यहाँ से वहाँ तक मुश्किल से 200 मीटर होंगे, बस वहाँ से चल के आते आते तक मेरी तो सांस फूल गई है। अमित भाई लेकिन दौड़ते दौड़ते आ गए ना। अमित भाई की भी सांस फूल गई है। गाड़ी से चढ़ना उतरना, हेलमेट डालना ही बिग टास्क लग रहा है। लेट्स गो, अभी जा रहे हैं हम लोग मड विलेज की तरफ। हाँ, रास्ते में काजा तो पड़ेगा, काजा में फ्यूलिंग वगैरह कराएंगे। इस वक्त 4:15 बज रहे हैं। आगे यहाँ पर रोड बंद है, पहाड़ को काट रही है मशीनें। बाइक्स के लिए बस क्लियर हुआ है, अभी कार के जाने की जगह अभी नहीं है। तो देखो भाई साहब रास्ते देखो, अभी इन रास्तों में बाइक चला रहा हूँ, सपना सपना सा लग रहा है। घर जाने के बाद ये सब याद आएंगी बहुत, ये रास्ते, ये पहाड़, ये खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि यह मार्ग बंद है, इधर से ना जाएं। तो जाते समय तो हम लोग इधर से नहीं गए थे, लेकिन आते समय वाला सड़क पकड़ लिया गलती से। वो नज़र आ गया काजा शहर। पेट्रोल भराते हैं और कुछ कैश निकालते हैं एटीएम से, और ये हम लोग पहुँच गए देखते ही देखते काजा। सो भाइयों, हम लोग पहुँच चुके हैं काजा और प्लान में कुछ सडन चेंजेस हैं, वो बताते हैं आपको। अभी थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें शायद बीच में निकलना पड़ेगा, कल मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो विशाल भाई कल सुबह निकलने का सोच रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। लेकिन अजय भाई को शायद भाभी की ज़्यादा याद आ रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग साथ में रुकने वाले हैं। हम लोग आज मड विलेज रुकने वाले थे, बट डिसाइड किया कि अपन साथ में रुकते हैं और आज हम लोग काजा में ही रुक रहे हैं। अजय भाई और हमारे विशाल भाई होटल देख रहे हैं, तब तक हम लोग जा रहे हैं फ्यूल अप करा के आ जाएंगे। चैन ल्यूब चैन क्लीन भी कराना है और एटीएम से कैश भी निकालना है, तो ये सब काम निपटा के आते हैं और आज का भी रात्रि विश्राम होगा हमारा काजा में। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। पेट्रोल पंप तो ये है, लेकिन यहाँ पेट्रोल पंप में कार्ड ले नहीं रहे हम लोग, ओनली कैश। सो पहले एटीएम जाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं काजा की मेन मार्केट की तरफ और हम लोग को यही वाला रास्ता बताया गया है। तो मेन मार्केट जो रास्ता लेके जाता है वो रास्ता भी मेन रास्ता ही होगा। इतने छोटे छोटे गलियों से लोग कार वगैरह निकाल रहे हैं। अच्छा, ये है क्या मेन मार्केट? ये दुकान उकान तो दिख रहा है भाई। दिस इज सोल कैफे वाटर रिफिल पॉइंट।
चलो मार्केट भी हम लोग घूम ले रहे हैं काजा का। एटीएम किससे पूछूं? पूछूं क्या? एटीएम किधर है मैम? इधर इसी में। ओके थैंक यू। सीधे जाके थोड़ा सा नीचे। एटीएम हमें दिख गया और लाइन लगी है यहाँ पे एटीएम पे। एज एक्सपेक्टेड शायद ज्यादा एटीएम नहीं होंगे यहाँ पे। सो ये है हमारे एटीएम की लाइन। काफी दिनों बाद एटीएम की लाइन में खड़े हुए हूँ भाई। लाइन जरा लंबी थी तो काउंटिंग माइल्स कहीं से मिठाई लेके आए हैं बाजू में ही था। मिठाई खाते खाते लगे हैं लाइन में। कभी कभी खाते हैं मिठाई, अच्छा लगता है। तो काफी देर ढूंढने के बाद ये एक मैकेनिक शॉप मिली है। तो फाइनली हम लोग को मिल गई चेन क्लीन ल्यूब कराने के लिए दुकान। और चेन एडजस्ट भी कर देना भैया ना। चेन ल्यूब एंड क्लीनिंग एंड एडजस्टमेंट का चार्जेस है यहाँ पे 250 रुपीज। अमित की बाइक का भी चैन ल्यूब वगैरह हो गया, अभी चैन टाइट हो रहा है। इसके बाद हवा भी चेक करवा लेंगे। ये है काजा में रॉयल इनफील्ड पॉइंट नाम का ये जगह है। अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, आप स्पीति का सर्किट करते हो तो आप यहाँ पे दिखवा सकते हो। बढ़िया काम कर रहे हैं भाई लोग। आज है डे टू। कल हम लोग फ्यूलिंग वगैरह कराने के बाद, कैश वगैरह निकालने के बाद वापस रूम आ गए थे। और कल ड्रोन उड़ा रहे थे अमित भाई, तो एक एडवेंचर हो गया। ड्रोन में हाथ पैर से कैच करने की कोशिश कर रहा था तो वो मेरे उंगली में एक स्क्रैच आ गया। तो अभी बैंडेड लगाते हैं। और इसी बैंडेड के नाम पे अगर आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे हो तो एक लाइक करके जाना। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। क्या अच्छा लगा कमेंट पे बता देना। थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय। राइट सेफ ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद जय भारत।